हेलो फ्रेंड्स, आज हम बॉलीवुड के ऐसे अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने से 10 साल बड़े एक्टर से शादी रचा ली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एंड बॉलीवुड सिंगर निक जोन्स के बारे में। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स 5 साल पहले यानी साल 2018 में शादी के बंधन में बन चुके हैं। प्रियंका और निक की शादी हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म से हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा निक जोन्स की पहली गर्लफ्रेंड नहीं थी? दोस्तों, आज इस वीडियो में प्रियंका और निक से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स सिनेमा जगत के पावरफुल कपल माने जाते हैं। साल 2018 को उदयपुर में बेहद शाही अंदाज में शादी के बंधन में बने थे। फैंस ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रियंका और निक जोन्स में 10 साल का एज गैप है। प्रियंका अपने पति निक से बड़ी है, जिस वजह से दोनों ने लोगों की काफ़ी तानों का सामना करना पड़ा है, लेकिन प्रियंका और निक ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, साल 2016 में निक का पहला एल्बम इट्स अबाउट टाइम रिलीज हुआ था, जिसके बाद इनके बैंड को डीजी चैनल पर खूब सफलता मिली थी। आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा से पहले निक जोन्स की 4 अन्य महिलाओं के साथ अफेयर थे। निक जोन्स को पहली बार प्यार तब हुआ जब वो 14 साल के थे। निक जोन्स की पहली प्यार थी डीजी स्टार अमेरिकन सिंगर एक्ट्रेस माइली साइरस। एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें खुद कबूल किया था कि माइला वो पहली लड़की थी जिन्होंने उनसे किस किया था। साल 2006 से लेकर सितंबर 2007 तक वो इस रिलेशनशिप में रहे थे। दोस्तों, प्रियंका और निक की हम लव स्टोरी की बात करें तो निक और प्रियंका के बीच पहली बातचीत सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। निक ने सबसे पहले फिल्म कॉन्ट्रियो में प्रियंका के को स्टार ग्राम होम को एक मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने प्रियंका की तारीफें की थी। इसके बाद निक ने पहली बार ट्विटर पर प्रियंका चोपड़ा को एक मैसेज किया था, जिसमें निक ने लिखा था, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। इस बात पर प्रियंका चोपड़ा ने निक के इस सवाल का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैसेज उनकी टीम पढ़ सकती है, ऐसे में वो उनको फोन पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने मेंट गेला में एक साथ एंट्री ली थी। इससे पहले दोनों की मुलाकात एक ड्रिंक पार्टी में पहले हो चुकी थी। इतना ही नहीं, प्रियंका ने निक को अपने घर भी बुलाया था और इस बात का खुलासा खुद प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में लिखा था। प्रियंका ने बताया था कि वह घर पर निक जोन्स आए थे, तब उनकी माँ मधु चोपड़ा टीवी सीरियल लव एंड ऑर्डर देख रही थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातें हुई थी। ऐसे ही दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई और निक ने एक शाम प्रियंका चोपड़ा को ग्रीस में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। निक जोन्स ने लेडी लव प्रियंका को बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था। निक ने घुटने पर बैठकर अपनी लेडी लव को शादी के लिए पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करके मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन सकता हूँ? इस जवाब प्रियंका चोपड़ा ने हाँ में दिया था, जिसके बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने साल 2018 के जुलाई महीने में ही सगाई की थी और साल 2018 में ही शादी के बंधन में बन चुके थे। कपल की शादी दो रीति रिवाजों से शुरू हुई थी। उदयपुर के उम्मेद भवन में दोनों हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने इस खास दिन पर परिवार के अलावा कुछ करीबी लोग भी शामिल हुए थे। प्रियंका चोपड़ा की एक बेटी है जो अभी फिलहाल 3 साल की है। प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी और पति निक जोन्स इस वक्त इंडिया में हैं और रामलला के दर्शन के अयोध्या मंदिर पहुँचे हैं। एक्ट्रेस भारी सुरक्षा के बीच बुधवार 20 मार्च को अयोध्या पहुँची थी। वहीं उन्होंने पति और बेटी संग रामलला के दर्शन किए और माथा टेककर आशीर्वाद भी लिया था। इस दौरान फैंस को भी भारी भीड़ मौजूद थी, जहां प्रियंका ने पीले रंग की साड़ी पहने नजर आई थी। वहीं निक जोन्स कुर्ता पहने नजर आए थे। साथ में प्रियंका की मां मधु चोपड़ा भी वहीं थी। तो प्रियंका और निक जोन्स की लव स्टोरी सबको कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।